दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे आप अपने फोन का कॉल लिस्ट किस तरह से निकाल सकते हैं या फिर दूसरे के नंबर का कॉल लिस्ट किस तरह से निकाल पाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग अपना फोन का कॉल लिस्ट या फिर अपने फ्रेंड का या फिर आपका गर्लफ्रेंड का कॉल लिस्ट आप लोग देख पाएंगे। तो बस आप लोग एक एप्लीकेशन का जरूरत है जिसके मदद से आप लोग अपना कॉल लिस्ट निकाल सकते हैं। तो किस तरह से कर पाएंगे सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आप लोगों को एक ही काम करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। दोस्तों मेरा नाम है दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं टेक्नो डिटेल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना और पास में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक कर देना। इस तरीके को आप लोग गलत तरीके से यूज मत करना, आप लोगों बस एडुकेशन पर्पस के लिए चीज दिखा रहे हैं। आप लोगों को रिक्वेस्ट है गलत तरीके से इसको यूज़ मत करना। दोस्तों मैंने पहले ही बताया आप लोग अपना फ्रेंड का अपने गर्लफ्रेंड का कॉल लिस्ट निकाल सकते हैं। बस आप लोगों जियो नंबर का कॉल लिस्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की जरूरत है, वो है माई जियो ऐप, जो कि आप लोग इजीली प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे माई जियो ऐप से आप लोग आसानी से कॉल लिस्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पहले बहुत ही आसान था, लेकिन अभी माई जियो एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद कॉल लिस्ट निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो किस तरह से आप लोग कॉल लिस्ट निकाल सकते हैं, माई जियो ऐप जो अपडेट हुआ उसके बाद किस तरह से कर पाएंगे, आपकी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाएंगे। तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है, प्ले स्टोर से माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। अगर आपके फोन के अंदर है तो उसको अपडेट कर लीजिए लेटेस्ट वर्जन पर। सिंपली प्ले स्टोर के अंदर जाकर माई जियो जैसे सर्च करेंगे इजिली आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों सबसे पहले माई जियो एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट करना, उसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन के इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखाएगा, पहले कुछ अलग टाइप का दिखा रहे थे लेकिन अभी फुल पूरा तरीके से चेंज हो गया। सिंपली आप लोगों को कॉल लिस्ट निकालने के लिए करना क्या है, मोबाइल पर क्लिक करना। मोबाइल पर क्लिक करने के बाद आपका कॉल लिस्ट देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना, उसके बाद माय यूजर्स इसके ऊपर क्लिक करना। लेकिन आपको तो अपना कॉल लिस्ट देखने की कोई जरूरत नहीं, आपको देखना है दूसरे का कॉल लिस्ट। सिंपली यहाँ पर सबसे पहले माय जियो एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद आप लोगों को होम पेज पर रहेगा, उसके बाद जाना है मोबाइल पर। मोबाइल पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा है स्विच अकाउंट, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा लिंक न्यू नंबर, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना। मेरे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा नंबर लिंक करके रखे है, तो सिंपली करना क्या है लिंक न्यू नंबर इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करते यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली चूज करना है मोबाइल नंबर जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिसका भी आप लोग कॉल निकालना चाहते हैं सिंपली यहाँ पर उनका नंबर डालिए। सिर्फ जियो नंबर का ही आप लोग कॉल लिस्ट देख पाएंगे। इसके ऊपर आपको नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना। ओटीपी पर क्लिक करती आपकी जिसका भी नंबर का कॉल लिस्ट देखना चाहते हैं उनके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सिंपली डालने के बाद आप लोगों को सक्सेसफुली रजिस्टर दिखाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जो स्विच अकाउंट जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना। ऊपर क्लिक करने के बाद जिसका भी आप लोग कॉल लिस्ट देखना चाहते हैं सिंपली उस नंबर को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं चेंज हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ऊपर थ्री लाइन जो दिख रहा है ऊपर क्लिक करके माय यूजर्स जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर डाटा हिस्ट्री मिल जाएगा। उसके बाद आता है कॉल लिस्ट, यहाँ पर से आप लोग कॉल लिस्ट देख पाएंगे किसके साथ बात किए। उसके बाद आता है मैसेज, मैसेज पर क्लिक करते ही आप लोगों को मैसेज भी दिखाएगा किस किस से मैसेज किए। यहाँ पर जितने भी डिटेल्स दिखाते हैं सब उस फोन से जो फोन गया है उसका डिटेल्स दिखाते, ना ही आपके फोन के अंदर मतलब जिसका भी कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं उनके फोन के अंदर जो कॉल आया वो डिटेल्स आप लोग देख नहीं सकते। सिर्फ उनके फोन से जो कॉल मैसेज गया है वही सब कुछ आप लोग देख पाएंगे। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर कुछ अलग टाइप का था, उसके ऊपर प्लान के ऊपर क्लिक करते आप लोगों को डिटेल्स मिल जाते थे, लेकिन अभी चेंज कर दिया। सिंपली थ्री लाइन पर क्लिक करना और माई यूजर्स इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देख पाएंगे, या फिर यहाँ पर सर्च पर कॉल डिटेल्स लिख कर सर्च करने पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं चेक माई यूजर्स इसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग अपना कॉल डिटेल्स देख पाएंगे या फिर दूसरे का भी कॉल डिटेल्स देख पाएंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे जो कुछ भी आप लोग सर्च करेंगे वो इंस्टेंट यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। थ्री लाइन पर क्लिक करना, माई यूजर्स पर क्लिक करके आप लोग देख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को थोड़ा सा भी आपको हेल्प हुआ तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।